गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे, ट्रायंगल्स चैप्टर। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको यहाँ पर एफआईवी दी गई हैं। ऑल सर्कल्स आर, अब देखिए कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सभी सर्कल्स सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। तो सारे सर्कल सिमिलर होते हैं क्योंकि उनकी शेप एक जैसी होती है, लेकिन साइज एक जैसा नहीं होता है। अगर साइज हो जाएगा एक जैसा तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ऑल सर्कल्स आर यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर, अगेन आंसर इज सिमिलर, क्योंकि जरूरी नहीं कि उनकी साइड भी इक्वल हो। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स देखने में सभी एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट है आपका, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और साइड के रेशियो आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी दो पॉलीगन्स सिमिलर होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, आपको सिमिलर फिगर के दो एग्जाम्पल बताने हैं। तो आप यहां पर एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, आप यहां पर एग्जाम्पल ले सकते हैं पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं पेयर ऑफ स्क्वायर्स, दोनों ही सिमिलर होंगे। पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और आप यहां पर एग्जाम्पल ले सकते हैं पेयर ऑफ स्क्वायर्स। नेक्स्ट है, टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर के लेने, तो आप ले सकते हो ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल, और आप ले सकते हो स्क्वायर और ट्रेपेजियम। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं है आपको ये बताना है। तो यहां पर ध्यान दें, दो कंडीशन होनी चाहिए, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो यहां पे आप ध्यान दें, कोई भी एंगल और यहां के एंगल के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहां पे सारे एंगल 90 डिग्री आप देख पा रहे हैं, लेकिन यहां पर कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो पहली कंडीशन से फुलफिल नहीं हुई। दूसरी कंडीशन आप ध्यान दें, अगर इनके रेशियो लेते हैं, ठीक है, तो ये इक्वल, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए थी, इस वजह से दोनों जो क्वाड्रिलेटरल आप देख रहे हो ये सिमिलर नहीं है। तो बच्चों ध्यान से इसके पहले के जो वीडियोस हैं थ्योरम के, थ्योरम आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए थ्योरम्स, तो बार बार उन वीडियोस को देखें। और 6.1 आपकी ये कंप्लीट हो गई, छोटी सी एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट 6.2 हम लोग देखेंगे, और आप लोग वीडियोस को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।